मेरा नाम अम्मा त्रिवेदी सजल, मैं डूंगी का रहने वाला हूँ और मैं एक कक्षा छह में पढ़ने वाला एक छात्र हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी सपा सरकार में योजनाएं आई, वो आज तक किसी सरकार ने योजनाएं नहीं लाई है और ना ला पाएगी। कोई सरकार, सपा सरकार के अलावा कोई भी सरकार नहीं ला पाएगी। और ये मेरा प्रण है, इस बार राजा अजय जी ही विधायक सरेनी से बनेंगे। ये मेरा कहना है कि राजा अजय जी इस बार सरेनी से विधायक बनेंगे। और इस बार देखिए, जब सपा सरकार थी तो हाई स्कूल की बालिकाएं जब ये पास करती थी उसको, उनको 30,000 रुपए, यानी आप अनुमान लगा सकते हैं 30,000 रुपए और लैपटॉप, आज 3,000 रुपए देने वाली कोई सरकार नहीं है। और उनकी सरकार में 30,000 रुपए मिलते थे, तो आप कह सकते हैं कि जो गरीब बालिकाएं हैं उनका वो कैसे पढ़ पाएंगी। तो इसीलिए साइकिल पर ही आप लोगों को बटन दबाना है और साइकिल को ही है आप लोगों को जिताना है। और सपा सरकार को इस बार 350 पार ले जाना है। हमारे मुलायम सिंह यादव जी अब तो वृद्ध हो गए हैं, लेकिन उन्होंने भी इतने काम करा दिए और इतने काम गिना दिए। मेरा नाम अम्मा त्रिवेदी सजल, मैं डूंगी का रहने वाला हूँ और मैं कक्षा छह में पढ़ने वाला एक छात्र हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी सपा सरकार में योजनाएं आई, वो आज तक किसी सरकार ने योजनाएं नहीं लाई है और ना ला पाएगी। कोई सरकार, सपा सरकार के अलावा कोई भी सरकार नहीं ला पाएगी। और ये मेरा प्रण है, इस बार राजा अजय जी ही विधायक सरेनी से बनेंगे। ये मेरा कहना है कि राजा अजय जी इस बार सरेनी से विधायक बनेंगे। और इस बार देखिए, जब सपा सरकार थी तो हाई स्कूल की बालिकाएं जब ये पास करती थी उसको, उनको 30,000 रुपए, यानी आप अनुमान लगा सकते हैं 30,000 रुपए और लैपटॉप, आज 3,000 रुपए देने वाली कोई सरकार नहीं है। और उनकी सरकार में 30,000 रुपए मिलते थे, तो आप कह सकते हैं कि जो गरीब बालिकाएं हैं उनका वो कैसे पढ़ पाएंगी। तो इसीलिए साइकिल पर ही आप लोगों को बटन दबाना है और साइकिल को ही है आप लोगों को जिताना है। और सपा सरकार को इस बार 350 पार ले जाना है। हमारे मुलायम सिंह